ग्राम पंचायत देलारी के आश्रित ग्राम पाली में लगभग 800 की जनसंख्या है और यह पूरी जनसंख्या सिर्फ एक निस्तारी योग्य तालाब पर अपना निस्तार करता है, जिसमें माँ काली जैसे कंपनी का गंदा पानी आकर उसमें विलीन हो जाता है, जिससे ब्रह्म कुमार एवं गांव के समस्त 800 लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। समस्या तो अभी हमको माने ये पानी दस्ते के चलते तालाब एक ही तालाब में नहाते हैं, तो ये उस तालाब में नहाने पर मैंने खुजली बहुत है। इसमें मैं डॉक्टर 2-3 डॉक्टर के पास में दिखा चुका हूँ। हर डॉक्टर बोलते हैं कि माने पानी के चलते है और तालाब में आप मत नहाना। तो क्या कारण है, वो तालाब किस कारण गंदा है उसको बताइए। उसमें माने वो डस्ट बहुत आ रहा है, एक ही जो तालाब है। कैसे डस्ट, कहाँ का डस्ट आ रहा है? माँ काली का डस्ट वहाँ आ रहा है। एक ही तालाब है इस गांव में और यहाँ करीब करीब 800 जनसंख्या है और यही एक निस्तारी है और दूसरा कहीं बोर और भी नहीं है गांव में। इसी में नहाते धोते हैं, बैल भैंस सब यहीं पर धोना पड़ता है, जिसमें कई तरह की बीमारियों का संक्रमण हमेशा बना रहता है। ऐसी कोई बीमारी बच्चों को हुई हो या किसी को हुई हो, इसके बारे में कुछ बताएं। एक्जिमा वगैरह सब होता है। एक्जिमा वगैरह होता है, थोड़ा फुंसी खुजली वगैरह आम बात हो गया है यहाँ पर, और बुखार वगैरह भी आते रहता है। पानी का प्रदूषित होना आम बात है, लेकिन उसकी वजह से बीमारियाँ बहुत सारी होती हैं। कंपनी के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए, हमको धमकी देता है, जो करना है कर लो बोलता है। कई दफ़े हम लोग जा चुके हैं, वो अकड़ता है, पानी जाएगा, पानी को कौन रोक सकता है, ये बोलता है। पंचायत में तो शिकायत किए हैं, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पर्यावरण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी या कुछ? पर्यावरण अधिकारी को भी जानकारी उनका दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं। तो उनका क्या कहना है? अब क्या कहना है, क्या वो कब आता है कब जाता है वो तो हमको तो मालूम ही नहीं है। इस पानी को देखकर तथा गांव वालों के कहने पर मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सोचा और इसे बनाया। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों एवं साथियों से अनुरोध है कि वे वर्तमान पर्यावरण अधिकारी श्री आर के शर्मा को 9685095442 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं, ताकि कंपनी से निकलने वाले डस्ट का उचित व्यवस्था किया जाए और वह पानी से मिलकर तालाब पर न आए। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।